अरे दोस्तों की हाल चाल ने, वेरी गुड मॉर्निंग। ते उम्मीद है कि कल वाला व्लॉग इंजॉय किया होगा। आपां इस टाइम हैगे आ शिमले, ठीक है। ते जिवें कि मैं कल भी दस्या सी कि जिहने कल व्लॉग नहीं देखा हो जरूर देख लियो। मैं हैगा तुहाडा दयाकरण सिंह, ते तुसीं देख रहे हो दयाकरण व्लॉग्स, जिहड़ा कि एक यूट्यूब चैनल है जिहदे विच कि असीं लाइक ट्रैवल व्लॉग्स करते हैं, ऑटोमोबाइल व्लॉग्स करते हैं। इस टाइम असीं हैगे ट्रैवल व्लॉग्स दे उत्ते। 9th विंटर स्पीति एक्सपीडिशन चल रही है इस माउंटेन गोड दे नाल, ठीक है। माउंटेन गोड एक बहुत ही जबरदस्त ट्रैवल कंपनी है जिहदे विच कि ओह बहुत बहुत वड्डियां कॉनवॉयज लैके जांदियां ने। इस बारी भी असीं सारे नूं तगड़ी कॉनवॉय रन कर रहे हैं, लाइक 60 गड्डियां दी। ते असीं जा रहे हां स्पीति स्नो ड्राइव ते। असीं अज निकल रहे हैं इत्थों शिमला तों कलपाली, ठीक है, रामपुर होके चलांगे। स्पीति एक वैली है तो तुहानूं सारा इंजॉय करन निकलूगा। फिलहाल आपां रूम चों निकलदे हां क्योंकि आपां हो रहे हां लेट। मनु भाजी की हाल है? ठीक ठाक, ठीक है। मनु भाई थोड़े कॉन्शियस हो गए, कोई गल नहीं। तो यह साडा थोड़ा समान इतने मैस हो पई सी। यह साडा रूम से, इतों सारा व्यू तुसी देख सकते हो किड्डा सोहना व्यू सी। सनराइज हो चुका है, बाहर पता नहीं किन्नी ठंड होने वाली है, तो पर फिर भी मैं थोड़ा पूरा गाइड करूँगा तो उम्मीद इंजॉय करोगे। आप रूम थोड़ा समान इकट्ठा करके तो निकलते हैं। तो फिलहाल थोड़ा मैं व्यू बार का दिखा ही दिना। ये तुम देख सकते हो बई कि जबरदस्त है, तो ठंड जरूर हैगी है। ये साडा होटल से जिते असं रुके हुए थे, तो बहुत ही सोहना व्यू है इतों। तो बट धुप अजे नहीं आई वो करके मे भी ठंड लग सकती है। पर हम ब्रेकफास्ट करते हैं इतों, तो फिर आप जाना है वुड विला होटल जिहड़ा कि मेन होटल है जितों सारी कॉनवॉय रन होनी है, फ्लैग ऑफ होना है उतों। तो थोड़ा इंजॉय कराऊंगा मैं। आओ दोस्तों ब्रेकफास्ट कर लिया। ब्रेकफास्ट वधिया सी, मतलब कि लाइट जिहा कीता, एक परौंठा खा लिया, बाई हुणां ने आमलेट खा लिया, नाल चाह पी लिया। तो हुण आपां इत्थों चलदे आं वुड विला नूं। दोस्तों कुछ गड्डियां साडियां इत्थे खड़ियां ने। ये अपनी गड्डी है जिते आपां ट्रैवल कर रहे हैं, तो मनु भाजी दी है। वैसे ये रहा माउंटेन गोड दा स्टिकर, पर बहुत पुराना बाई लाया होया, एरकां नाल लाया नहीं। गड्डी साडी च बहुत मैस होई पई है, पहले असी मैस नू सैट करते हैं। दोस्तों थोनू शिमले भी अजे स्नोफॉल जी पई है वह देख सकती है, सारी स्नो भी है वाइट वाइट, कि काली है भी गंदी हो चुकी है स्नो। तो क्योंकि अजे इतने सूरज घट पैंदा, दैट्स वाई कि अजे पई है, पर जिते आप चले उ पूरी स्नो ही होगी, ठीक है। तो वैदर ठंडा है, मतलब ठंड हैगी इस वेले, तो दिन गर्मी निकल आऊगी। दोस्तों फाइनली आप पहुँच गए हैं वुड विला, ठीक है। सारी कॉनवॉय रेडी हो रही है, तो मंजू भाजी तुसी करो गड्डी पार्क, ठीक है, तो मैं मिलता थोनू। दोस्तों ये मेन हैडक्वाटर है, इतों कॉनवॉय रन होंगी। कल भी असं इतें ही खड़े सीगे, तो सारा सैटअप इतने का ही सीगा। ये सारे इन्हां दे स्पॉन्सर्स ने, बोर्ड वगैरह लगे हुए हैं, ठीक है। तो दोस्तों हुण इतें फ्लैग ऑफ होगा तो असं इतों निकलांगे, ठीक है। इस बार असी टाइम ना, लास्ट टाइम असं लेट हो गए सी। ये सारी कॉनवॉय इतने गड्डियां खड़ चुकिया ने। तो दोस्तों मैनू पता है बहुत सारे लोग नए भी ये ब्लॉग नू देख रहे होंगे, तो जो लोग भी इसको ज्वाइन करना चाहते हैं लाइक ऐसे ट्रैवल्स को, तो आप इनको इनके इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं और इनकी वेबसाइट पे भी देख सकते हैं भी कौन से इवेंट आने वाले हैं, कौन से क्या है, तो आप वहाँ पर इनको कॉल करके नंबर से सारा कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो आज हम निकलेंगे यहाँ से कल्पा के लिए, जो कि ऑलमोस्ट 120 किलोमीटर के आसपास होगा, मे भी थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है, मैं अभी आपको बता दूंगा क्योंकि हमें बुकलेट मिली है कल की। तो बाकी जो जो होगा दिन में सारा आप लोगों को दिखाया जाएगा। तो भाई हूँ आप इतने फ्लैग ऑफ देखते हैं क्योंकि जनता सारी लाइन अप हो चुकी है, ठीक है। गुड मॉर्निंग भाई, क्या हाल है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई। ये है हमारे सूरज भाई, वैसे जिन लोगों को नहीं पता, तो कैसे है अभी सारा ऑल सेट है? ऑल सेट है, बस लाइन अप करा रहे हैं फ्लैग ऑफ के लिए। चीफ गेस्ट आने वाले हैं थोड़ी देर में, फ्लैग ऑफ करेंगे and bus and then kick start the 9th expedition and we'll be heading to Kalpa today. बाकी रास्ते में दयाकरण भाई आपको सब कुछ दिखाएंगे, ठीक है। थैंक यू। तो ये थे भाई अपने सूरज भाई, और शाश्वत भाई से भी मिलाता हूँ रुक के क्योंकि अभी वो थोड़ा सा बिजी है, तो बाकी साथ में बातें करते चले। तो दोस्तों हमारे बंदे ने आज फिर अपनी लुक में आ गया, तो आज आप पहचान जाओगे भी ये हैं हमारे शाश्वत भाई, और निक्कर में जो है पृथ्वी भाई, पृथ्वी भाई। हाँ पृथ्वी भाई आज बिजी हैं बहुत ज्यादा वाले, और शाश्वत भाई पूरा सेट हो गया काम?
उन्होंने काम बताना चले गए चलो कोई नहीं ठीक है ठीक है सब कुछ दोस्तों साडे नाल एक शुकल हो रहा इत्थे वैसे अपने भाई ने मतलब कि इन्होंने लास्ट टाइम ना एक अपनी चितकुले में एक BMW खराब हो गई थी किसी की कंपनी उदो मंग रही थी भी 1.5 लाख रुपया सानू टो करन दा टो करन दा 2.5 लाख रुपया मांग रही थी 2.5 लाख मांग रही थी तो तब इस ब्रदर ने उनको वहां से मतलब आई थिंक 25-30 रुपए में वो एक लगा के उनका वो काम सेट करके पूरी कॉन्वे के साथ में एंजॉय करके गए थे। तो इस बार क्या हो रहा है, इस बार भी कुछ ऐसे होने वाला है। मनु भाजी ने ना अपनी मनु भाजी देख अपनी एक्सयूवी ना मतलब किसी को वी क्रॉस किसी को ना दिया रेंट पे, चल आप ड्राइव ले लो, तो वो बंदा क्या कर रहा है ये बताओ। वो क्लच छोड़ नहीं रहे और रेस दे जा रहे और क्लच प्लेट फूक दी पहले दिन नहीं फर्स्ट डे में अभी गए भी नहीं है तो अब मनु भाजी को बोल रहे हैं 4 गुना पैसे ले गए आपसे तो फ्री में नहीं छोड़ेंगे। तो अभी बंदा साडा देख रहा है। और दोस्तों ये मेन चीज बताने वाली है कि इन कॉनवाइज में जाने का क्या बेनिफिट्स होता है कि जैसे भाई लोग हैं आपको मैकेनिक्स प्रॉपर मिल जाएंगे, ठीक है, डॉक्टर की फैसिलिटी मिलती है, ठीक है, पूरी सेफ्टी के साथ चलते हो तो वहाँ पे आपको किसी चीज की टेंशन नहीं होती है, जस्ट आपको साथ में कॉनवाइज के जाना होता है, एंजॉय करना होता है। तो इधर हमारे ब्रदर हैं, क्या हाल चाल है इस वीक में? बढ़िया भाई, बढ़िया बढ़िया, बिजी हो मुझे पता है, कोई चक्कर नहीं है। दोस्तों मास्क लाना पै रहा है तो मैं इदा जगाड़ जा करके लाया क्योंकि ये साडे लगते नहीं गे तो इस करके बाकी हम सारे जने इतने रेडी होके खड़ गए ने। तो हूँ इतने साडा चीफ गैसट आने वाला है तो उसकी वेट हो रही है चीफ गैस की। लैंग्वेज एंड कल्चर मिनिस्टर 3 times MLA फ्रॉम मनाली एंड द फॉरेस्ट मिनिस्ट्री अर्लियर। Thank you, sir. देखो कल वाली लड़की जो बोल रही थी कि मेरा मेकअप नहीं हुआ है तो अब मेरा जुलूस निकालने के लिए सोच रही है तो वो निकलने वाला नहीं है। अब बता ऐसे तो नहीं बेइज्जती होती है। और हाँ जिन लोगों के कमेंट आ रहे हैं ना कि बहुत सुंदर है ना वो जब मेकअप के बाद ना फिर देख रहे उसको रियल में कैसे देख लेंगे लोग फिल्टर के बिना तो दिखाते नहीं हो। सच्ची बात है, सच्ची बात है, सच्ची बात है। दोस्तों फाइनली फ्लैग ऑफ हो गया, हुण आपां निकल रहे हैं। 60+ कारां जिहड़ियां ने साडे नाल इस वारी जा रही ने ते बिना मेकअप तो कुड़ियां साडे नाल नहीं जा रही, ठीक है। मेकअप वालियां मर ना जाई किते पहला मैंने एपिसोड तुम पंप दई जाते हो मजना मोटी हो जाना तेरा 2 घंटे में 1 किलो वेट बढ़ गया यार मतलब ये तो नजायज हो रही है ना। चल ठीक है सी यू। तो दोस्तों आप भी हम इतों निकलते हैं तो होर भी बहुत सारे अपने ट्रैवल कर रहे इदा ईवो वाले भी ईवो इंडिया भी साढ़े नाल इस बारी जा रहे हैं, ठीक है। फिर अपने नाल NDTV हैगा है, ठीक है। फिर होर भी कई इदा है सोशल मीडिया हैंडल्स जो साढ़े नाल इस टाइम है ये भी यदा इंस्टाग्राम हैंडल है कुड़ी का तो जो नहीं इनको नहीं पता तो जरूर देख लेना। तो अब हमारी गाड़ी भी रेडी है। दोस्तों ये सारी कॉनवाई है साड़ी इत्थों लैके
दोस्तों ये सारा संजोली है जिहड़ा तुसी देख रहे हो, ये असी संजोली थानी लंघ के जा रहे हैं। बहुत ही सोहना, ये भी एक वैली जी है, नाल शिमले दे बिल्कुल नाल ही है। तो दोस्तों ये अपनी फाइल है, इत्थे हुण पहला पेज आपां चक्कांगे भी आपां अज कित्थे जाना है। वैसे सारा इन्हां दा हैगा, किहड़े किहड़े नूं स्पोंसर कर रहे हैं सारा कुछ इत्थे इन्हां ने लिखिया होया ऑलरेडी। तो इत्थे कॉन्टैक्ट नंबरस भी हैगे, जे कोई कॉल करना चाहुंदा इन्हां नूं ते कॉल कर सकदा है, कॉन्टैक्ट नंबरस लिखे हुए। ये साडा शड्यूल है सारा सारा जिहड़ा तुसी देख सकदे हो। 12 तरीक नूं आपां शिमले सी, ते फिर हुण आपां लाइक 14 तरीक हो गया शिमले तों कालपा जावांगे। ते होटल दा नाम लिखा होया 230 किलोमीटर सॉरी स्लो रन टू कालपा, ठीक है। ते इत्थे चलांगे अज आपां सारा, इत्थे अज जाके रुकांगे। दोस्तों असीं टनल टप गए हाँ, तो इत्थे हुण प्रॉपर लग्या कुफरी 10 किलोमीटर, थ्योग 23, नारकंडा 57। तो दोस्तों इत्थों ही बर्फ सानू शुरू हो गई है, बहुत बर्फ पई हुई है इत्थे भी। तुहाडे तुहानू काली काली लग रही है, सारी ब्लैक आइस है, मतलब सारी दी सारी। बी सेफ ऑन दिस टाइप ऑफ रोड, बिकॉज कि यह जो है ना मतलब स्किट कर दी गड्डी बहुत ज़्यादा, तो तुम कंट्रोल चलाओ, जो तुम ब्रेक मारोगे तो पूरी गड्डी स्किट कर जूगी, तो इस करके ध्यान ना चलाया करो, वैसे इन्होंने मिट्टी पाई है। दोस्तों एक कुफरी आ गया, मतलब कि जिते लोग स्पैशली आते हैं बर्फ वेखने, क्योंकि इतने हाइट दे काफ़ी, इतने काफ़ी बर्फ होंगी है, तो इस करके इतों उपर न जाके चल जाइए। तो यह कुफरी है, वैसे मेन कुफरी जिन्होंने आप कहने, इतने टैंपरेचर काफ़ी डाउन होंगे, वो उत उपर टॉप पर चल जाइए। चीज दादा भाई इतों ना सिड्डू मिलता है, एक बड़ा फेमस है इतों की डिश है, एक लाइक उन्होंने स्वीट भी कह सकते हो। लास्ट टाइम जो मैं माउंटेन गोर्डन आया ना, तो मैंने भाई किसी ने खवाता से, तो मेरा बाद च ना हफ्ता मूँह नहीं ठीक हुआ, इन्ना गर्म से। वैसे अपनी गां होंगी ना, वो घ्यो का बनता वो, तो बहुत ही स्वाद होंगे। वैसे तो स्वाद स्वाद मैं बहुत खा गया, उन्होंने मैंने दसिया नहीं, पर तुम भी जो कि इधर आओ तो जरूर ट्राई करो। उसको बोलते हैं सिड्डू, मस्ट ट्राई। दोस्तों हुण आपां नारकंडे पहुंचण वाले हैं, नारकंडे पहुंचण वाले हैं। बहुत ही वधिया इक वी एक लोकेशन है, तो तुसीं इत्थे भी आ सकते हो स्टे करन वास्ते, कमरे वगैरह इत्थे मिल जाते, पर आपां इत्थे रुक नहीं रहे, आपां अगे जाना है होर। इस तों बाद आऊगा रामपुर, ठीक है। रामपुर एक लास्ट सिटी है जिहड़ी कि उत्तों अगले बन्ने तुहानूं समान जिहड़ा महंगा मिलना शुरू हो जांदा कई वारी, कि तुहानूं लाइक जे तुसीं कुछ चाहिए भी कपड़े वगैरह या बूट या कुछ भी, तो रामपुर तों लै सकदे हो, उह थोड़ा सस्ता भी हुंदा। तो बट इह एक जिहड़ा हुण नारकंडा एरिया है, इह शिमले तों भी ऑलमोस्ट घंटे की ड्राइव ते हैगा, डेढ़ घंटे की ड्राइव ते, तो काफ़ी वधिया वैली है, शांत वैली है। इत्थे सेब बहुत होंदे आ, लाइक एप्पल्स ट्रीज जिहड़े ओह काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को मिल जाएंगे यहाँ पे। तो अच्छी वैली है, साइलेंट वैली है, ज़्यादा ट्रैफिक नहीं मिलेगा, रोड साफ है, क्लीन है, और आप देख ही सकते हैं बाकी हमारी। तो दोस्तों ये सारा सारा नारकंडा है, तो ज़्यादा वड्डा हिल स्टेशन नहीं है, छोटा जिहा हिल स्टेशन ही है, छोटी मार्केट है इत्थे इदां, तो मतलब ATMs वगैरह इत्थे हैगे ने वैसे। तो हुण इत्थों आपां दोस्तों अभी हूँ अब रस्ते में पहुंच चुके हैं, मतलब दोस्तों अभी नारकंडा क्रॉस करके थोड़ा अगे आ गए, रात खड़े सीगे फ्रेश होने वास्ते, चलो बायोकॉल ली जाए किसी भी। तो बाकी बहुत वधिया ट्रिप चल रहा है, इंजॉय हो रहा, उम्मीद है कि तुम भी व्लॉग्स जोड़े ने इंजॉय कर रहे होंगे, व्यूज़ भी इंजॉय कर रहे होंगे। तो अज आप कल्पा जाके रुकना, जिमें बहुत दूर है कल्पा, ठीक है। तो इधर थोड़ा रश घट जाता है रोड्स के उत्ते, तो हूँ साड़ी सारी सारी कॉनवे रुकी हुई है, तुम देख सकते हो इतों। सर किवें चल रहा काम? बहुत ही शानदार नजारे आ रहे हैं, बहुत ही नजारे आ रहे हैं।
ਨਜ਼ਾਰੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਆ ਰਹੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮਾਊਂਟੇਨਸ ਨੂੰ ਤੇ ਵਧੀਆ ਡਰਾਈਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਬਸ ਆਹੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿੱਥੇ 2 ਵੀਲ ਤੇ 4 ਵੀਲ ਨਾਲ ਨਜ਼ਾਰੇ ਲਵਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਨਾ ਸੁੱਟ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਪੇਟ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਹੀ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ ਭਾਜੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ ਰੋਟੀ ਰੋਟੀ ਵਾਲੀ ਸੀ ਕਿ ਰੋਟੀ ਵਾਲੀ ਦੀ ਤਾਂ ਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਫਿਰ ਰਾਮਪੁਰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਸੂਟ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਕਿਹੜੀ ਸੋਹਣੀ ਪਾਈ ਕਿਤੇ ਕਿੱਡੀ ਸੋਹਣੀ ਪੇਟ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਕੋਈ ਨੀ ਹੌਸਲਾ ਹੌਸਲਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ ਰੋਟੀ ਇਹ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਆਏ दोस्तों इतने ना काम चली जाता है लाइक टनल्स बन रही ने थले पता नहीं की प्रोजेक्ट नवा शुरू किया इन्होंने वैसे वो उसे टनल जी सी तो काफ़ी जोर शोर वैसे चल रहा है छोटा ब्रिज ही अपना तो वह उपर मशीन भी चल रही तुम देख सकते हो पता नहीं की बनाएंगे राह इतने टुटा भजा सारा वैसे ये रामपुर तो पहले ही है तो उदा तो राह ठीक सी वैसे भी दोस्तों आप पुल बहुत घट देखने मिलते अचक पर इतने हैगा अजय तो दोस्तों जिम्मे कि मैं दसिया बहुत जाने साढ़े ट्रैवल कर रहे हैं यहाँ पे हमारे जो दोस्त हैं कल वाले व्लॉग में मैंने डाला था ये है नेपाल से सर क्या हाल है सब बढ़िया है हिंदी भी सीख गया भाई और पंजाबी हम इसको सिखा देंगे तो ये लोग ये गाड़ी लेके आए हैं टोयोटा की हैलक्स जेडियो आने वाली है अभी तो लेकिन इंडिया में नहीं आई है ये इस पर ड्राइव कर रहे हैं लाइक वहाँ से ही बाय रोड आए हैं तो कैसा लग रहा है ये आज का ये व्लॉग में जो रास्ता दिखाया था उन्होंने हमारे उधर भी ऐसा ही रास्ता है सेम ही है सेम ही है ओके ज़्यादातर हमारा से हमारे रास्ता नदी के साइड में हाईवे ओके वैसी बात है हमको सेम नेपाल वाला फीलिंग आ रहा है पूरा आ रहा है इधर भी अच्छा मैचिंग है अच्छा जो मेन बात है भाई नेपाल में हेलो सत श्री अकाल को क्या बोलते हैं वो अपनी लैंग्वेज में बोल के बताओ नमस्ते सबै जना अच्छा नमस्ते सब सबै सबै जना मतलब औखा बड़ा सीख जाएंगे सीख नमस्ते एवरीवन ओके तो अगर किसी को पूछना होगा अगर ये क्या हाल है तो कैसे क्या बोलते हो आप ये सा हाल खबर हां ये छ कैसा के छ हाल खबर औखा भाई काम अपने लिए मतलब हम लोग लगेगा दो दिन सीख जाएंगे तो मैं आपकी लैंग्वेज देख रहा हूं आप अपनी लैंग्वेज में भी व्लॉग कर रहे हो तो इसलिए अगर वो चीज़ का था थैंक यू सो मच कैरी करने वाला तो बताता हूँ किसने कैरी किया है तो भाई वो चीज़ जो है ना हम लोगों को होता है कि थोड़े थोड़े फर्क रहा है डिफरेंस है ज़्यादा नहीं है हमारा कैमरामैन भाग चला है खिचो खिचो तो पहले तुम ही दसो ना हम जलंधर वाले बढ़िया तरीके से दसणगे शाश्वत भाई हूँ अकेला अकेला ट्रैवल नहीं कराते हैं नए नए व्लॉगर्स को भी पैदा कर रहे हैं तो ये रिसेंटली लड़की छोटी है पर से चैनल शुरू कर रहा है ये पता है आपको तो भाई बताओ क्या शुरू कर रहे हो फिर हम इंट्रोड्यूस कर देते हैं आपको आप नहीं इसने बात ही खत्म कर दी यार इसका तो इसका चैनल चलने से पहले ही बंद हो गया क्योंकि उसने बोला दादा नहीं नहीं कैमरा शायद फिर मतलब कैसे व्लॉगर बन जाते हैं ये बताओ किस नाम से है बताओ क्या शुरू किया नहीं नूरी ठीक है कहाँ पे है नूरी नूरी वॉज बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन और अभी ऑस्ट्रेलिया में है यार ये फिर रहा लाइक गलत बोल गई मैंने इसको पूछा भी कहाँ पे मतलब इंस्टाग्राम पे है यूट्यूब पे है फेसबुक पे है वो अपनी आइडेंटिटी बता रही है गलत पर भाई जरूर इनको करना सपोर्ट करना मतलब इंस्टाग्राम हैंडल मैं डाल रहा हूँ नीचे तो अभी शुरू किया है इसी ट्रिप में फर्स्ट ट्रिप है बाकी हाँ ऑस्ट्रेलिया की किसी को इन्फॉर्मेशन चाहिए तो फिर तो ज़्यादा मिल जाएगी तो ठीक है हाँ इंस्टाग्राम पे रिप्लाई आएगा नहीं आएगा वो मैं नहीं कह सकता कुछ भी और ये इसकी सुंदरता खराब हो चुकी है हाँ इसने मेकअप नहीं किया ना आज पता चल रहा है वो देख उसके पास खड़े होकर पता चल रहा है कि उसने किया अब तूने नहीं किया चलो कोई नहीं लड़की को सपोर्ट करना है भाई उधर पहले उसको सपोर्ट देना हाँ अच्छा तू इस तरह क्यों बना रही है मैं आपको छेड़ने के लिए और आपको टीज़ करने के लिए बना रही यार इतने माड़े दिन आ गए अब लड़कियां छेड़ रही है ये तो मुझे सच में नहीं पता था भाई चलो भाई लड़की की ओर से
लड़की की वजह से सबको इसको इंस्टाग्राम पे जाके रिप्लाई कर देना मेरी तरफ से और इंस्टाग्राम पे मुझे प्लीज फॉलो कर लेना। हाँ नहीं नहीं वो काम नहीं करना है ठीक है, मतलब उसका नहीं नहीं वो नहीं करना है। फूड बहुत बढ़िया सी, रोटी अच्छी सी, तो हमने थोड़े ही निकल रहे हैं कल्पाली टाइम हो चुके हैं और मटन बहुत स्वाद सी था। हाँ मटन दाल दाल खाने वाले इन्होंने की बता की बता है गल पनीर तो पता है फिर बहुत स्वाद सी ते हमने तो कल्पाली चल लेंगे कोई लगन के कितना टाइम लगता देखते हैं। तो दोस्तों ये सारे का सारा रामपुर है दोस्तों। इतने एक पंप ए आता है तो एक थोड़ा होर अगर जाके पंप आना है ठीक है, उस तो बाद पंप मिलना जाके काजाज तो यदों चंगा है कि तुम रीफ जितों भी थोड़ा पंप मिलता है जो थोड़ा हाफ टैंक भी है तो फुल करवा लो उन्होंने ठीक है, वह बेनीफ जिते भी थोड़ा टैंक जिते भी पेट्रोल पंप मिलता उत्थे भी फुल करवा लो। तो एक कल्पा तो पहला पंप आ थोड़ा जहाँ पहला ही तो एक पंप ए एक अगे जाके थोड़ा जहा पंप आना उस बाद काजा जाके पंप मिलना इस करके तेल जरूर फुल रखे क्योंकि इतने पंप कंटिन्यूसली नहीं मिलते। बाई हुणा ने जैरी कैन भी लगे लगता भरा हम ये वेचण गए जाके उत्थे ब्लैक करनगे ये है। दोस्तों फाइनली असी पहुँच चुके हैं कल्पा, ऑलमोस्ट टाइम हो गया 9 बज चुके ने ते हुण देखते हैं भी कित्थे हनेरा हो चुका स्नो पई हुई है टैंपरेचर 9 है इस टाइम ते बाकी आओ अगे जाके देखते हैं पूरी लाइटा जग रही ने कॉनवाई पूरी चल रही। दोस्तों यह है साडा होटल जिथे असी अज रुक रहे हैं ठीक है, तो इतने होर भी निके निके किन्ने होटल्स ने तो दोस्तों स्टेज चढ़ के आना बड़ा ते सह चढ़ गया क्योंकि स्नो जो हो टैंपरेचर ठंड हो गए सह वैसे भी चढ़ता है तो मैं 2 मंजिला 3 चढ़ के आना पे। तो यह है साडा रूम तो हुण असी रैसट करांगे तो व्लॉग एडिट करांगे तो थोनू कल नू मिलांगे। तो जे कोई भी इन्हें ज्वाइन करना चाहता या किसी के भी क्वेश्चन ने तुसी इन्हें गूगल कर सकते हो फिर तुसी इन्हें वैबसाइट देख सकते हो इंस्टाग्राम लिंक थले पाए हुए तुसी उत्थे जाके फॉलो भी कर सकते हो कि नवे नवे इवेंट्स इन्हें आने तुम्हें पता लग जूगा। तो उम्मीद है कि थोड़ा अज्जे दिन वधिया लग्या होगा तो जे वधिया लग्या ब्लॉग जरूर शेयर कर दियो ये कंटिन्यूसली इदा ही चलूगा। कल आप जाना काजा, काजा रुकेंगे जाके तो बहुत कुछ सीखने मिलता है भाई इन्हों इदा के ईवेंट्स के लाइक फैमिली बनती है एक नवी नवे थोड़े दोस्त बनते हैं क्योंकि बहुत बहुत दूर दूर स्टेट्स के लोग इतने आए हुए हैं ठीक है। ऑलमोस्ट असी इंडिया की लार्जेस्ट कॉनवे रन कर रहे हैं हिमाचल के जी कि लाइक 60+ कार्स ने ठीक है 4x4 इन आप कहने 2-wheel गड्डी का काम कोई नहीं क्योंकि फस जाए ने इतने 4x4 ही चलदियाँ ने सैल्फ ड्रिवन है तो यह सिस्टम होंगे किन्ने पैसे पे करने पैदे ये सारा उन्होंने उन्हें कॉल पर पूछ सकते हो। तो जो चैनल वधिया लग्या फॉलो जरूर कर लियो तो मिलते हैं कल नवा दिन नवा ब्लॉग लैके बाय टेक केयर।